हाय गाइस, वेलकम बैक टू इल्म एकेडमी। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11, जो कि शेडेड रीजन जो हमने पिछली वीडियो में किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो उन्होंने बोला है कि इन फिगर ए सी जो है हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी डी हमें 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए से लेके ई तक हमें 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायगनल, ठीक है। और फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी, बी से लेके डी तक लेंथ फाइंड करनी। तो फर्स्टली हमें ये देखना है कि हमारे पास किस किस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स पूरे हैं, ठीक है। तो ए सी इंटू बी डी, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम एक ट्राइंगल लेते हैं जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हाफ हैं, जो कि हमारा बनता है ए से सी तक, ठीक है, और बी से डी तक, ठीक है। हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं पूरा, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि इसका जो है ना वो निकाल सके, हम एरिया निकाल सके। तो हम क्या करते हैं जी, कि एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हाफ इंटू ए से लेके सी तक इंटू बी से लेके डी तक, ये तो हमारे पास एक ट्राइंगल का निकल रहा है। और अगर हम इसी के मतलब इसको हम अब ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है, बड़े ट्राइंगल का, और इसके इक्वल अगर हम सी से डी और ए से ई रखें, तो सी डी और ए, तो हमारे पास इस ट्राइंगल की दूसरी साइड जो है ना, सेकंड साइड जो है वो निकल सकती है, ठीक है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन भी है। मतलब एक तरफ से हमें ये सीधी ट्राइंगल गिवन है ए सी और बी डी के थ्रू, जो जिसका हमें एक लेंथ पता है ए सी हमारे पास 20 सेंटीमीटर, बी डी नहीं गिवन। हाँ, मगर उसके बजाय हम सेकेंडली अगर हम इस ट्राइंगल की दूसरी तरफ देखें तो हमें सी डी भी गिवन है और ए से लेके ई तक भी गिवन है, तो हम इसको इक्वल रख देते हैं उसके, ठीक है, पहली वाली ट्रायंगल के एरिया के, क्योंकि ट्रायंगल एक ही है, एरिया दो तरीके से निकल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सी डी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय ए ई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हमें जो जो गिवन है, इधर इक्वल नहीं लगेगा क्योंकि एरिया, ठीक है, तो हमें जो जो गिवन है हम वो चीज़ें पुट करते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। हमें ए सी गिवन है जो कि 20 है, बी डी हमें नहीं गिवन, ठीक है, और बी डी ही हमने निकालनी है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमें हाफ इंटू सी डी जो है वो 22 दिया हुआ है, ठीक है, और ए ई जो है वो हमें दिया हुआ है 16, ठीक है। तो इसको जल्दी से हम कर लेते कैलकुलेट, ये हो गया जी 20 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बी डी, ठीक है, ये हो गया, एक मिनट, 22 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये हमारे पास आ गया 352 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 176। तो ये साइड हमारे पास आ गई 176, ठीक है, और 2 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई बी डी इंटू वो इज इक्वल्स टू 176, और इधर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बी डी इज इक्वल्स टू 176 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, और इधर आपका बी डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर, जो आपकी लेंथ आ गई, ठीक है, ये आपकी इस क्वेश्चन की लेंथ आ गई, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको आगे फर्दर क्वेश्चन करवाऊंगा, ये अब आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएंगे।